हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स राइस स्क्रब, जो कि आपको ग्लोइंग स्किन देता है, लेकिन इसमें मैं मिला रही हूँ कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी काफ़ी सारे बेनिफिट्स तो देती ही आपको, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप कच्ची हल्दी को ज़रूर से इन्वॉल्व करें। वैसे तो आप ड्राई हल्दी भी ले सकते हो, जो पाउडर वाली होती है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रब इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ ये होममेड है बिल्कुल, और मेरे पास ये हल्दी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसको लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर बहुत ही नेचुरल सा स्क्रब बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने हल्दी को अच्छे से छील लिया है और उसके बाद मैं इसको ग्रेट करूँगी, यानी कि कद्दूकस करके, और इसका एक छोटा सा अमाउंट लेना है आपको। सबसे पहला टिप यही है कि अगर आप कभी भी कच्ची हल्दी का यूज़ कर रहे हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट मत लेना। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा ही अमाउंट मैंने ले लिया था, बट मैं आपको इसका लॉस भी बता दूँगी एंड में। आप देख रहे हो ये मैंने इतना लिया है, और इसके अंदर मैंने कम से कम डेढ़ स्पून तक मैंने चावल का आटा डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर बहुत सारा कोकोनट ऑयल डाला है, और जब आप इसका टेक्सचर देखोगे तो बिल्कुल स्क्रब वाला होगा। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से हाथों से, तो आप देखिए बिल्कुल दरदरा सा हो जाता है, जैसे कॉफ़ी स्क्रब होता है। तो आप इसे बॉडी पर लगा सकते हैं, और मेक श्योर कि जब भी आप बॉडी पर लगाएंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इसने बहुत ज़्यादा कलर छोड़ा है। कि आपका फेस बहुत येलो हो गया है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा येलो सी लग रही है। सो डोंट वरी, आप इसे ना नहाने से पहले यूज़ करें। जब भी आप इसे नहाने से पहले यूज़ करेंगे ना, तो इसका कलर जो है वो जितना भी आपके फेस पर होगा ना, वो बाद में जब आप फेस वॉश या बॉडी वॉश या जब भी आप कोई भी सोप यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करेंगे ना, जो आप नहाते वक्त यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट से वो एक्स्ट्रा जो इसका येलो जो कलर है ना, वो एक्स्ट्रा वाला वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस स्क्रब के एक चीज़ के तो काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं कि अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम होती है ना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, होममेड स्क्रब बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि जब भी आप होममेड स्क्रब यूज़ करें ना, बहुत ज़्यादा रब ना करें। फेस जो है बहुत ज़्यादा ड्राई फील होता है, बहुत ज़्यादा जलन भी हो सकती है। तो जो भी चीज़ आप लगाएं ना, उसको सबसे पहले आप कोई भी स्क्रब लगाएं तो आप जेंटली मसाज करें। अगर आप थिक स्क्रब लगाते हैं, आप उसमें थोड़ा पानी मिलाकर लगाइए, और अगर आप इस तरह का बॉडी स्क्रब लगाते हैं ना, तो आप बहुत जेंटली मसाज कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको रब करने की नीड नहीं है। जो हल्दी होता है उससे काफ़ी हद तक टैनिंग भी रिमूव होती है। मैं आप लोगों को इसमें दिखा दूँगी कि आप इसमें देखिए कितना ज़्यादा येलो सा हो रहा है। इसे मैंने हल्का सा पहले जेंटली रब करके हल्का सा बिल्कुल झाड़ सा दिया है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मैसी भी हो सकता है, नीचे पूरा घिरेगा पूरा स्क्रब, बट ये देखो आप धोने के बाद कितना ज़्यादा येलो सा हो गया है स्किन। बट डोंट वरी, मैंने यहाँ पर फेस वॉश किया है यूज़। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक बार फेस वॉश कर लें इससे, तो आपको जो एक्स्ट्रा येलो आपको लग रहा है ना स्किन में, कलर जो है वो निकल जाएगा। तो कभी भी आप इसे यूज़ करें तो ऐसा बिल्कुल हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा इसको मिला लिया है। अगर आप कोई स्क्रब बना रहे हो ना, तो आप उसमें कोशिश करना कि कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो, ऐसी चीज़ें आप मिलाओ, तो उसके अंदर उस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा रखो और इसकी कम रखो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको वॉश करने के बाद देखो, बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो आ जाता है, काफ़ी अच्छा है। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया, मतलब मैंने गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। इसको सही तरीका इस्तेमाल करने का यही है कि आप जब भी इसे लगाओ, बहुत ज़्यादा येलो लगे आपको इसका कलर, तो आप एक बार फेस वॉश कर लो, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और रेमेडी के साथ। बाय।